चलो जिसे जिसे लेना है एसी उसी ले लो। कैसे लगा आपको हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स? बहुत बढ़िया, एक नंबर। बेसिकली सीडी ले काफी अच्छा लग रहा है सर। आने नहीं दिखेगा एक कौन दिनों से वेट कर रहे थे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया चमचमाता दुकान देखने के लिए, सो फाइनली हमें दिख गया, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? बस ये बहुत तकलीफ हो रही थी कोविड के टाइम पे, क्योंकि जहां हम लोग शूट कर रहे थे वहां कोविड के केसेस भी बहुत आते थे और आजू बाजू में सब रेसिडेंशियल था, सब लोग रहते थे, तो उनको भी डर लगता था कि शूटिंग में इतने लोग आते हैं। तो फिर हमको एक नया दुकान बनाना पड़ा और बाकी सब कुछ वही है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वही है, जेठालाल वही है, और बस अभी यहाँ से कॉमेडी का हंसी हंगामा ज़्यादा होगा, क्योंकि अब तक हम लोग गोडाउन से ही स्टोरी कर रहे थे कि दुकान में रिनोवेशन हो रहा है, सब कुछ ऐसे हो रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि दर्शकों को और मज़ा आएगा और सारे नए किरदार आएंगे और धूम मचेगी। सर, नया स्टोर बन गया है तो स्टोरी में क्या कुछ नया ट्विस्ट आएगा? आएगा बहुत कुछ होएगा। अभी तो अड़ोस पड़ोस में जैसे आप देख रहे हैं सामने एक कपड़े का दुकान है, ज्वेलरी का दुकान है, तो बहुत मज़ा आएगा। अभी बहुत कुछ करने मिलेगा, क्योंकि पहले जब जहाँ हम लोग कर रहे थे वहाँ बहुत लिमिटेशन था, वो ओरिजिनल शॉप था, लेकिन वहाँ थोड़ी दिक्कतें होती थी, रोड पर शूटिंग नहीं कर सकते थे। तो अभी ये तो फिल्म सिटी है, तो अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और अच्छा काम कर पाएंगे। सर, काफ़ी दिनों से लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थे कि पोपटलाल जी की शादी कब होगी, तो क्या बताना चाहेंगे कब? पोपटलाल की शादी भी जल्दी करेंगे हम लोग, उसके पहले एक ओपिनियन पोल बनाएंगे, ऑडियंस को पूछेंगे और फिर हम लोग तय करेंगे पोपटलाल की शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आप मेरी राय पूछो तो मैं चाहता हूँ कि बेचारे की शादी हो जाए, लेकिन हम ऑडियंस को पूछेंगे और ऑडियंस को भी पूछेंगे भाई, जब भी हमने ऑडियंस को पूछा है आधे लोग बोलते हैं मत कराओ, आधे लोग बोलते हैं कराओ, तो अभी हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं खुद भी आपके जैसा हूँ, मैं खुद भी उनको दुखी देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पोपटलाल हमारे हीरो है। देखो जब भी पोपटलाल की शादी की बात आती है लड़की का भला हो जाता है, और पोपटलाल वो लड़की का भी भला करते हैं। अभी आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा होगा कि जो लोग ने तलाक लिया था, डिवोर्स हुए थे, उन्होंने पोपटलाल ने अपना त्याग दे के उनको मिला दिया, ये हमारा पोपटलाल है। और पोपटलाल आप लोग के जैसा जर्नलिस्ट भी है, तो अभी आप भी प्रार्थना करो अगर शादी करनी है तो कि भाई कोई जर्नलिस्ट लड़की मिल जाए। कोई रेडी है तो बताओ आप में से, हाँ, जो अच्छा एंकरिंग करती हो, जो भी है, तो इधर रोल भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। इतने सालों से सर प्यार मिल रहा है इस शो को और सब काफ़ी पसंद करते शो को और जानना चाहते कि आगे क्या कुछ नया आने वाला है, कि तो कुछ बताना चाहोगे उसके बारे में, क्या कुछ नया स्टोरी देखने को मिलेगा हमें? देखिए स्टोरी तो रोज नया नया ही होता है, और स्टोरी नया होता है इसीलिए दर्शक आज भी हमारे व्यूअर्स रोज एपिसोड 8:30 बजे देख रहे हैं। तो स्टोरी में तो रोज हम लोग, हमारी पूरी टीम मेहनत करती है, लेकिन अभी आगे चल के जो भी लोगों की डिमांड है कि दया भाभी अभी तक आए नहीं है, पोपटलाल की शादी कब होगी, ये सब आपके सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल जाएंगे। तो सर हम बात करें गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा एक काफ़ी प्यारा नाम, काफ़ी अच्छा नाम नट्टू काका जी का, जो हमारे बीच नहीं है, तो उनको हम काफ़ी मिस करते हैं, उनके बारे में आपका क्या कुछ है? देखो आप सब जानते हैं कि नट्टू काका इस दुनिया में नहीं रहे हैं, करेक्ट? अभी आप में से कोई अगर कोई ऐसा है कि कुछ करके उनको ऊपर से बुला सकता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम सब वो जानते हैं कि वो, उन्होंने हमको बहुत प्यार दिया है, दर्शकों ने भी उनको बहुत प्यार दिया है, और नट्टू काका का तो कोई जवाब ही नहीं था, लेकिन अभी वो हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो सवाल पूछा तो दूसरे नट्टू काके के लिए इंतज़ार करिए, वो जल्दी आपकी कामना पूरी होगी। आपको अभी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैंने कहा ना नट्टू काका भागा बावरी धीरे धीरे सबसे भर जाएगा। सर वो वीरा और बहना वाला वो मिलन कब देखने मिलेगा? वो भी जल्दी होगा, मैंने आपको पहले ही कहा कि देखो कुछ दिक्कतें आती है, 14 साल शो को हुए और आज भी लोगों का प्यार है और ये शो तो चलने वाला है,
क्योंकि आज के ज़माने में लोगों को हंसी चाहिए और हम सब लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, तो नए किरदार भी आएंगे, दया भाभी भी जल्दी आ जाएंगे, तो बस आप इंतज़ार करो। और ये क्योंकि बीच में कोविड का टाइम था, अभी मुश्किल से हम लोग थोड़ा कोविड से बाहर आए हैं, तो बस थोड़ा समय की बात है, नए किरदार भी आएंगे, दया भाभी भी आपको देखने मिलेंगे और पोपटलाल की शादी अगर जैसे दर्शक चाहते हैं वैसे हम लोग करेंगे। सर नए किरदार आ रहे हैं, नए फेसेस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं शो में, मगर ऑडियंस जो है कहीं ना कहीं उन नए फेसेस को पुराने फेसेस से कंपेयर कर रही है, तो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहोगे, नए किरदारों को, नए चेहरे को फुल से एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए हम जो भी हमारे जितने भी कलाकार हैं, मेरा काम है सबको जोड़ के रखने का, जो मैंने अभी तक किया हुआ है। देखिए अभी तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कभी हमारा लीप नहीं हुआ है, नहीं तो आप दूसरे कोई भी शो देखोगे तो उसमें लीप होता है कि अभी 25 साल आगे, 20 साल आगे। हम लोग वही टीम के साथ काम करते हैं, 14 साल कोई छोटी ये नहीं है, बहुत बड़ा समय है, 14 ईयर्स हमने सबने साथ में मिलकर दिवाली मनाई है, होली मनाई है, सबसे प्यार और खुशियाँ बांटी है। लेकिन अभी कोई उसमें थक जाए, किसी को नहीं करना हो तो हम लोग बहुत समझाते हैं, उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी बहुत दुख होता है क्योंकि मैं भी ये कलाकार और किरदारों के साथ ही रहता हूँ और ये मेरा परिवार है, तो ये परिवार में से कोई भी अगर मेरे से बिछड़ता है, आपको एकदम बोलता हूँ, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, लेकिन क्या कर सकता हूँ, कोई लोग बिछड़ जाते हैं। जैसे अभी ये तो ट्रेन है, कोई स्टेशन उतर गया तो नया किरदार, कोई भी नया कलाकार, कोई भी नया पैसेंजर जैसे ट्रेन में शामिल हो जाते हैं और ट्रेन चलती रहती है, तो अभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो गाड़ी है जो दर्शकों के प्यार से वो चलती रहेगी और मैं चाहता हूँ कि कोई भी उसमें उतरे नहीं, लेकिन अभी क्या करें। थैंक यू।